अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी बजाज जद्दू। एक छोटा सा मसला हो गया। मसला क्या है कि दो दिन से एक मुझे एक मैसेज आया था कि मेन गेट के पास आ जाओ। मैं मेन गेट के पास आ गया तो इधर है एक बिल्ली जिसका टांग आप कह सकते हैं टूटा हुआ है। वो इतनी क्यूट बिल्ली है ना, मैं उसकी पिक्चर मैंने ली थी लेकिन उस टाइम की रेस्क्यू वाला नहीं था। और जो ACF का है वो बहुत दूर है, इससे पहले भी हम गए थे मेरे एग्ज़ाम्स के डेज। अब कल मेरा पेपर है, आज मैं उसको रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। खैर वो पेपर तो पास हो गया था और अच्छे नंबरों से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऑलरेडी मुझे दो स्ट्राइक्स लगे हैं उसकी वजह से, स्टार स्पोर्ट्स मनहूस की वजह से। अब इस पर भी मुझे स्ट्राइक न मारते, अपने नाम लिया उसका। एक और बिल्ली है, अब उसका भी टांग आप कह सकते हैं कि टूटा हुआ है या जो भी किसी ने इंजर्ड किया हुआ है। तो मैं उसको रेस्क्यू करने आया और उस दिन भी आया लेकिन वो लेट था थोड़ा सा। आज आयशा चंद्रेकर फाउंडेशन ACF को हमने बोला भाई कि भाई आप लोग जल्दी आ जाए और इसको ले ले। अब मसला क्या है, हम तो इसका ट्रीटमेंट भी कर लेंगे, सब चीज़ें कर लेंगे लेकिन रखने के लिए हमारे पास शेल्टर नहीं है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। NED में हमें अलाउ भी नहीं करेगा और हमारे पास जगह भी नहीं है और ना हम रख सकते हैं इस तरह की केसेस को। हम जस्ट उनको ना फूड प्रोवाइड करते हैं और अगर कोई इमरजेंसी है तो उनकी हेल्प करते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हमारी इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और बाकी कि हमारा कोई परमानेंट लाइक फाउंडेशन तो है लेकिन उसमें एक लोग इतने एक्टिव नहीं हैं, तो ये भी हमारे पास एक मसला है आप कह सकते हैं। तो अभी मैंने तो बहुत ढूंढा, उसको मिल नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेट करो उसका। अब बिल्ली मुझे नहीं मिल रही, मैंने पूरे गार्ड से पूछा कि भाई इधर है बिल्ली है, उसको हमने रेस्क्यू करना है। वो कह रहे हैं कि भाई आप खुद ढूंढ लें लेकिन इधर है नहीं। तो अब मैं क्या करूँ उसमें, तो मेरे लिए भी मसला है। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं और क्या होगा। तो लेट्स यार। अच्छा मैं और चीज़, मैं जब से घर से आया हूँ कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि हमारे ना समर सेमेस्टर चल रहा है तो बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा। अब इतने क्लासेस होते हैं और बड़ी लंबी लंबी क्लासेस होती है समर में, तो ये मसला थोड़ा सा। तो अभी मैं देख रहा हूँ, अगर बिल्ली मिल गई अच्छी बात है, वरना फिर मैं गार्ड को कह दूँ कि जैसे मिले मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर दें, उनको अपना नंबर दे दूँ और फिर मैंने अपने क्या करना है दोबारा आना है इधर। मैं साइकिल पे आया हूँ तो आप लोग को साइकिल भी दिखा दूँ, चलो चलते हैं। अच्छा एक और चीज़, मैं जैसे सुबह उठा मुझे आयशाबी की मैसेजेस आ गए थे कि भाई आपने जैसे उठना है आपने आना है, तो मैं बिल्कुल ना कोई तैयार सब कुछ ऐसे ही आया हूँ। सबसे पहले मैंने इधर जाना है और सुबह सुबह निकल गई, मैंने बहुत सर्च की लेकिन मिल नहीं रही मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ अब, तो ढूंढते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। आज मेरे ख्याल से मास्टर की क्लासेस भी तो लोग आ रहे हैं उसके लिए। अच्छा मैंने अंकल को इन्फॉर्म कर दिया, जैसे आ जाए आपने मुझे, आपने जैसे भी दिया आ जाए आपने मुझे इन्फॉर्म करना है कि भैया आ गए आप आ जाओ और इसको कर दें। तो अंकल ने कहा चलो ठीक है। मैं कहा तो मैं अब ये मैं घर गया था, आप देख लें कितने अच्छा ना जंग लगते हैं, तो उसको भी लेके जाना होगा दोबारा, उसकी सर्विस करनी पड़ेगी। 14 अगस्त ही ना, उस दिन मैंने ये लगाया तब तक अभी तक था पार्किंग में खड़ी थी। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, तो आप लोगों को साइकिल पे लेके चलता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। मेरे पास ब्रेक भी नहीं है साइकिल में। चलो चलो मैं गया गया गया, थैंक यू यार। इतने अंकल भी बैरियर ऊपर ही नहीं कर रहा, शुक्र है टकरा नहीं गया क्योंकि ब्रेक नहीं है मेरे पास। देखिए एक पता है मज़ा तो बात है ना, जब आप ये फ्लैग आपके पास हो और आप प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के अंदर हो, ड्राइवर नहीं प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं क्योंकि दूसरी कलर है उसकी। तो हाँ मैं फ्लैग की बात कर रहा था, आप प्राइम मिनिस्टर हो गाड़ी चल रही हो आगे ऐसी ऐसा फ्लैग लगा था, बिल्कुल यही मेरे ख़ास ही है। किसी ने उधर से चोरी करके ना मेरी साइकिल पर लगाई,
तो ऐसा फ्लैग चल रहे होते और आप ऐसे जा रहे होते, याद है आती ना सही गाता है फिर भाई। हाँ एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में साइकिल चलाता था, उसमें भी फ्लैग लगा हुआ था। वैसे उस वक्त आर्मी चीफ कौन होगा, वैसे जितने भी है हमारे फ़ायदे के लिए हैं और जितना भी काम कर रहे हैं ना, तो ऐसी चीज़ों के बारे में ना आप जितना कर सकते हो पॉजिटिव अप्रोच रखो, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें नहीं आती समझ जो उनको आती है। आप समझ नहीं रहेंगे मेरी बात को, लेकिन अगर आपने किसी भी जगह रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया होगा ना, आपको तब पता चल जाएगा कि भाई हाँ उनका अप्रोच किस तरह होता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर आ जाते ना फिर वो इनकी ना जो डीएमसी होती ना मार्कशीट, उसके पीछे 2-3 रिजेक्टेड स्टैम्प्स लगे होते हैं। तो ये लोग फिर ना इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को, ठीक है। ये नया डिपार्टमेंट बना हुआ वैसे इनका हम मजाक उड़ाते थे, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज इनकी डिपार्टमेंट नहीं थी, ये हवाई महलूक होती थी कभी किस डिपार्टमेंट कभी किस डिपार्टमेंट। अच्छा उस्मान भाई को देखो, उसने बाइक लिया भैया, बाइक चलाना सीख लिया उसने, बड़ा खुश था माशाल्लाह उसको नसीब कर। ये है अब्दुलरहमान भाई की साइकिल, ये भी खड़ी है आप देख सकते हैं, ये देख। अच्छा मैंने इधर ना एक दफ़ा वो जो आपको नोटिस लगा नज़र आ रही है इन्वायरमेंटल चेयरमैन की ना गाड़ी की जगह, मैंने इसमें ना अपना साइकिल पार किया था और लॉक भी लगाया हुआ था। अच्छा कि ये भी नया डिपार्टमेंट है CIS, ये भी नया नया बना हुआ है। जब ये बन रहा था तो हम बोलते थे ये हमारा है, मैनेजमेंट वाले बोलते हमारा है, फूड वाले बोलते हमारा है, लेकिन CIS को मिल गया। आप देखते क्या, अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने चेयरमैन की उसमें ना साइकिल पार की थी, तो मेरी साइकिल इधर बिल्कुल नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये इधर इधर खड़ी की थी किसी ने और पता नहीं लॉक तोड़ दिया था क्या किया था, और मुझे ना नोटिस दिया था कि भाई आ जाओ आप मेरे ऑफिस, तो मैं चला, मैंने कहा क्या सीन है, तो मुझे सर बोल कि आपको मैंने कहा सर मैं हॉस्टल और ये वो ना सब मुझे जानते थे वैसे, लेकिन थोड़ा सा जान बन रहे थे कि आपने क्यों ये जी तो मेरी गाड़ी की जगह। मैंने कहा बस सॉरी सर आप फाइन वाइन नहीं लगाए, बस बात ख़त्म हो गई, मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह आज के बाद। सर ने कहा चलो ठीक है लेकिन बस ख्याल रखना, मैंने कहा ओके सर चलो। यार ये हमारी पार्किंग है और बिल्कुल स्टूडेंट्स ने बिल्कुल इसका ना कबाड़ा बनाया, क्योंकि कोई अरेंजमेंट ही नहीं, वे रिदम ही नहीं है, इसने सीक्वेंस है बाइक इधर उधर बस जैसे आया कर अगर चले गए भाग गए, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें यार, क्योंकि बाकियों को फिर मसला होता है पार्क करने में। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऑलरेडी मुझे 2 स्ट्राइक्स लगे हैं उसकी वजह से, स्टार स्पोर्ट्स मनहूस की वजह से, अब इस पर भी मुझे स्ट्राइक नाम लिया उसका।